हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलेक्ट्रिक मीटर में। आज मैं आपको थ्री सॉकेट के कनेक्शन करना सिखाऊंगा। ये वाला स्विच हमारा इस सॉकेट को ऑपरेट करेगा और ये वाला स्विच हमारा इस साइड के स्विच सॉकेट को ऑपरेट करेगा। यहाँ पर हमारे दो सॉकेट लगे हुए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ फ्रेंड्स कि यह हमारा ल्यूमिनियस कंपनी की तरफ से बोर्ड आता है, वो मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। ये कंपनी का बोर्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये हमारे दो स्विच है। सबसे पहले मैं यहाँ पर फेस लूँगा, फेस को हमेशा हमें स्विच में ज्वाइन कराना है। हम न्यूट्रल को एक बार साइड में रखते हैं, फेस लेते हैं जो कि मैंने यहाँ पर रेड वायर से लिया हुआ है। आप इन दोनों पॉइंटों में से किसी भी पॉइंट को ले लीजिए। मैं ये यहाँ पर नीचे वाला पॉइंट ज्वाइन कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये नीचे वाला पॉइंट में फेस का वायर डायरेक्टली दोनों में ही ज्वाइन कर दिया है, ताकि हमें अलग अलग वायर का यूज़ ना करना पड़े। मैंने इतना बड़ा वायर को छोलकर दोनों में ही डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ से हमारा फेस स्विच के थ्रू जाएगा। जैसे ही मैं स्विच ये वाला ऑन करता हूँ, यहाँ से मैं इन दोनों को ऑपरेट कर पाऊँगा, और ये वाला ऑन करूँगा तो यहाँ से ये वाला ऑपरेट कर पाऊँगा। तो ऐसा कनेक्शन करते हैं। अब यहाँ से हमें पहले मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ना फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एल लिखा हुआ है और यहाँ पर एन लिखा हुआ है। एल में हमें फेस प्रोवाइड करवाना है और इस सॉकेट में भी एल लिखा हुआ है। इन दोनों साइड में हमें फेस प्रोवाइड करवाना है। तो ये वाला वायर हमारा इस सॉकेट के इस वाले पॉइंट में जाएगा, और इसके लिए यहाँ से ये वाला ज्वाइन कराने के लिए मैं एक और वायर का यूज़ करूँगा। देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे टाइट कर देता हूँ। अब ये वाला पॉइंट हमारा इसमें ज्वाइन होएगा, ताकि इस सॉकेट में भी स्विच के थ्रू सीधा हमारा फेस आ जाए। अब फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर फेस के वायर कनेक्ट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर आपको न्यूट्रल के कनेक्शन करना दिखा रहा हूँ। उससे पहले फ्रेंड्स, इस साइड का हमारा फेस का कनेक्ट हो गया है। अब मैं इस साइड का फेस का कनेक्ट और कर देता हूँ, फिर बाद में हम डायरेक्टली सभी का न्यूट्रल कनेक्शन कर देंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, हमें न्यूट्रल में फिर स्विच नहीं देना होता है। जब भी स्विच का यूज़ होगा, हमें फेस में ही, फेस के बीच में ही स्विच देना होता है। अब ये वाला फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर एल लिखा हुआ है। अब हमें इस वाले में नहीं, इस वाले में ज्वाइन कराना है। फ्रेंड्स, अगर आप फेस और न्यूट्रल को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कोई चिंता की बात नहीं, आप कैसे भी कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन मैंने जो कनेक्शन बताया है वो करेक्ट है। हर सॉकेट पे फ्रेंड्स लिखा होता है यहाँ पर एल और एन। एल में हमेशा फेस देना होता है और एन में हमेशा न्यूट्रल देना होता है, और जो बीच वाला पॉइंट है वो अर्थिंग का रहता है। तो उस हिसाब से फ्रेंड्स, आप कनेक्शन बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे न्यूट्रल की बारी आती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन दे देता हूँ न्यूट्रल को। अब आप इन तीनों सॉकेट में से किसी को भी मेन दे सकते हो। मैं यहाँ पर मेन दे रहा हूँ, ताकि यहाँ से ही मैं आगे डायरेक्ट ज्वाइन करवाऊंगा। अब ये जो बड़ा वाला वायर बचा हुआ है हमारा, इसे भी मैं यहाँ पर साथ में ज्वाइन करूंगा।
फ्रेंड्स मैंने जहाँ पर ये बड़ा वाला वायर जोड़ा था, ये हमारा अब इस वाले सॉकेट में जाएगा। और इस वाले सॉकेट को बंद करने से पहले मैं यहाँ पर ये एक और पॉइंट लगा देता हूँ ताकि ये वायर हमारा इस पॉइंट में जा सके दूसरे वाले सॉकेट के। ऐसे फ्रेंड्स हमारा न्यूट्रल सभी सॉकेट में चला जाएगा और फेस एक एक स्विच के थ्रू जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कनेक्शन कंप्लीट कर दिया है, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फेस दिया दोनों स्विच में ऐसे वायर छोल करके, ताकि हमें दो दो वायर का यूज ना करना पड़े। और ये वाला सॉकेट, ये वाला स्विच हमारा इस दोनों सॉकेट को चलाएगा, जो कि यहाँ पर मैंने इन दोनों को जहाँ पर एल लिखा हुआ है वहाँ पर मैंने ये फेस का वायर ज्वाइन कर दिया है। और ये वाला स्विच हमारा इस वाले सॉकेट में जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो ब्लैक वायर है वो मैंने डायरेक्टली न्यूट्रल के थ्रू सभी में ज्वाइन कर दिया है। अब अगर फ्रेंड्स आपके घर में अर्थिंग का वायर लगा हुआ है तो ये जो बीच का सॉकेट का पॉइंट होता है उनमें, जो बीच का पॉइंट होता है उनमें सभी में अर्थ का वायर ज्वाइन होगा, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बार टेस्ट करके वो दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर मेन सप्लाई ऑन कर दी है। अब ये वाला जो हमारा 0 वाट का बल्ब है इसे मैं टेस्टिंग के लिए यूज करूंगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर प्लग इन कर दिया है और ये वाला स्विच हमारा इस बल्ब को चलाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।